So I had recently started making videos in English, but this one is going to be in Hindi slash Urdu from the next minute onwards. But don't worry, there will be English subtitles like the one being displayed right now so that everyone can understand. तो जैसे कि आपने वीडियो के टाइटल में देखा है, पिछले महीने मुझे कोविड हो गया था और सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे मॉम डैड को भी हुआ था। वो 14 डेज़ का जो फेज़ था वो बहुत टफ था और उन 14 डेज़ में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी है, काफ़ी सारी चीज़ें रियलाइज़ की है। और ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूँ, क्योंकि इट कुड एक्ट एज अ लाइफ सेवर। तो मेक श्योर करना कि ये वीडियो आप पूरा एंड तक देखो और ज़रा भी मिस ना करो। सबसे पहली चीज़ जो मैंने रियलाइज़ की है वो है डर और मेंटल थिंकिंग। बीमारी हमें लगने से पहले हम लोग बहुत ही काम और नॉर्मल रहते हैं, लेकिन एक बार जब डिटेक्ट हो जाता है पॉजिटिव, तब हम पैनिक करने लगते हैं, टेंशन लेने लगते हैं और ओवरथिंक करने लगते हैं। और ये ऑब्वियस सी बात है क्योंकि हम लोग पिछले एक साल से कंटिन्यूस न्यूज़ पे या आपस में भी जब बात करते हैं तो सिर्फ यही नेगेटिव चीज़ें बात करते रहते हैं कि आज कितने केसेस हुए, कितने डेथ्स हुए वगैरह। तो ऑब्वियस सी बात है, जब इंसान को रियलाइज़ होता है कि उसे वो बीमारी आ गई है तो वो नेगेटिव सोचने लगता है। और इसमें सबसे बुरी चीज़ यह है कि जब कोई आदमी पॉजिटिव टेस्ट किया जाता है तो उसे आइसोलेशन में रखते हैं, लोगों से दूर। और जब कोई आदमी अकेला है, कोई भी उससे बात करने के लिए नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है वो नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। और मैंने कम से कम 8 से 10 डॉक्टरों से बात की जिन्होंने बोला है कि जब आपको कोरोना होता है, जितना आप नेगेटिव सोचेंगे उतनी आपकी तबीयत और बिगड़ेगी। मेरी दुआ तो है ये बीमारी किसी को भी ना आए, लेकिन गॉड फॉरबिड, खुदा ना खास्ता अगर किसी को पॉजिटिव आ जाता है, तो प्लीज़ एक बात याद रखना कि पैनिक बिल्कुल नहीं करना, ओवरथिंक नहीं करना। जितना हो सके अपने माइंड को डाइवर्ट करते रहो, अपने आप को बिजी रखो जब भी आप आइसोलेशन में रहो। एक बात समझ लो कि रिकवरी रेट काफ़ी हाई हो चुकी है और मेडिकेशन अगर आप टाइम पे लेते रहेंगे तो कुछ भी बुरा नहीं होगा। और इसलिए जब भी आपको पता चले कि आपके किसी रिश्तेदार या कोई भी दोस्त को कोविड हो गया है, तो मेक श्योर करना आप उनसे कॉल करके ज़रूर बात करो। और जब आप कॉल पे हो तो उनसे अच्छी अच्छी चीज़ें बोलो, पॉजिटिव चीज़ें बोलो। जैसे आप कॉल पे बोल सकते हो कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लग रही है, या फिर अगर आप वीडियो कॉल पे हो तो आप बोल सकते हैं कि आप काफ़ी बेहतर दिख रहे हो। थोड़े लोग होते हैं जो कॉल पे बोलते हैं कि अरे आवाज़ तो और बिगड़ गई आपकी। नहीं भाई, तुम ऐसा बोल के उनकी मदद नहीं कर रहे हो, उनकी तबीयत और बिगाड़ रहे हो। अगली जो इंपॉर्टेंट बात है वो है अबाउट सिम्टम्स। मेरे सिम्टम्स क्या थे, मुझे खाने में टेस्ट नहीं आ रहा था और मुझे कोई भी स्मेल नहीं आ रही थी और हल्की बुखार थी, लेकिन बस एक या दो दिन के लिए। मेरे पेरेंट्स को जो बुखार थी और वो थोड़ी ज़्यादा लेवल पे थी, उनको ठंडी वगैरह लगती थी, शिवर करते थे वो, और उनको हल्की खांसी भी थी। तो ये सिम्टम्स हर आदमी के लिए अलग अलग हो सकते हैं और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स है, एक या दो दिन से ज़्यादा अगर लगते हैं, तो प्लीज़ चुपचाप मत बैठो, अपने हॉस्पिटल या डॉक्टर को फ़ोन लगाओ और उनको एक्सप्लेन करो सारी चीज़ें और वो आपको गाइड करेंगे क्या करना है। लेकिन प्लीज़ शांत मत बैठो। थोड़े लोग होंगे जो आपको बोलेंगे कि शायद आपको बीमारी इसलिए लग रही है क्योंकि मौसम बदल गया, या फिर कोई अफवाह होगी कि वायरल चल रहा है। नहीं, ये सब बकवास है, ऐसा मत सुनो। एक बात याद रखो, इस बीमारी में जितना जल्दी डिटेक्ट होगा, जितना जल्दी इलाज शुरू होगा, उतना बेहतर है। क्योंकि जो आप लेट करोगे तो वायरस फैलने के चांसेस है, स्पेशली अगर आप में से कोई है जिसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, या फिर जो ओल्ड एज वाले हैं जिन्हें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर वगैरह है। हमारे अंदर ये डर बैठ गया है कि अगर पॉजिटिव आ गए तो आजू बाजू वाले क्या सोचेंगे, वो लोग डरेंगे हमसे बात करने और हमें आइसोलेशन में अलग रख दिया जाएगा वगैरह वगैरह। इसी डर की वजह से कई लोग टेस्ट करवाने से डरते हैं, और टेस्ट नहीं कराओगे तो पता कैसे चलेगा और इलाज कैसे होगा। प्लीज़ ये गलती मत करना, अगर कोई सिम्टम्स है तो टेस्ट करवा लो, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। जो आइसोलेशन में रखेंगे वो आपके और दूसरों के भलाई के लिए ही है। अब देखो, सैनिटाइजर, मास्क, इनके बारे में हम लोग एक साल से ज़्यादा हो गया सुनते आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि 99% ऑफ द टाइम हम लोग केयरफुल रहते हैं और मास्क वगैरह पहनते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट दैट 1% जब आप केयरफुल नहीं रहते और उसी वक्त अगर वायरस ने आपको कैच कर लिया तो। मेरा बोलने का मतलब यह है कि हमारी डेली लाइफ सिचुएशंस में कई सारे पॉइंट्स ऐसे आते हैं जब हम कम्प्लीटली केयरफुल नहीं रह पाते। इसलिए प्लीज़ फोकस ऑन बूस्टिंग योर इम्यूनिटी, क्योंकि अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी तो अगर वायरस हमारे नज़दीक भी होगा तो हमारी बॉडी उसे रेजिस्ट कर सकेगी। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी कंज्यूम करो, फ्रूट्स जैसे ऑरेंज, कीवी, पपाया, स्ट्रॉबेरी और काफ़ी सारे हैं वो कंज्यूम करो।
और विटामिन सी के टैबलेट्स भी आते हैं एफेवेसेंट, जो पानी में मिक्स करके पी सकते हैं। और दूसरा है ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट में रहने की कोशिश करो, वो भी बहुत अच्छा है। प्रोटीन रिच फूड खाओ, बॉइल्ड एग्स, चिकन, और वेजिटेरियंस के लिए पनीर, चना वगैरह। हमको कोरोना हुआ था तो हमारे डाइट में यही सब था, विटामिन सी वगैरह, और कैलोरी डेंस फूड खाने बोला गया था। कैलोरी डेंस फूड में जंक फूड इंक्लूड नहीं होता, प्लीज़ जंक फूड बिल्कुल भी नहीं खाना। जब कोरोना होता है तो ठंडे चीज़ें कम्प्लीटली बैन। ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड कंज्यूम करो, हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैलोरी डेंस फूड इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए उस बीमारी से लड़ने के लिए, और वो एनर्जी खाने से ही आएगी। कई लोगों को होता है कि उस वक्त बिल्कुल खाने का मन नहीं करता, आपको फोर्सफुली खाना पड़ेगा, यू हैव नो अदर चॉइस। तो इसलिए अपने इम्यूनिटी को बूस्ट करने में कॉन्सेंट्रेट करो, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एज। मास्क सैनिटाइजर्स भी कंटिन्यू करो यूज़ करना। वीडियो के स्टार्टिंग में मैं जो बता रहा था कि कोरोना की वजह से मेंटल हेल्थ पे कितना इफेक्ट पड़ता है इन अ नेगेटिव वे, ये आर्टिकल देख लो, ये टाइम्स ऑफ ओमान में आया था ठीक 3-4 दिन पहले ही, जिसमें क्लियरली मेंशन किया है जो भी चीज़ें मैंने स्टेट की है। एक्चुअली मैं और मेरा फ्रेंड डिस्कस कर रहे थे कि इन्होंने ये आर्टिकल काफ़ी लेट रिलीज़ किया। तो अब मैं आपको बताऊंगा 3 एसेंशियल चीज़ें, ये वैसे तो हर किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती है, डॉक्टर मेंशन कर देंगे, बट फिर भी हमने जो यूज़ किया मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है ऑक्सीमीटर, प्रॉबेबली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू हैव, बिकॉज इसमें आपका ऑक्सीजन और आपका हार्ट रेट दिखाता है। इसको यूज़ करने का बस आपको ओपन करना है और अपना फिंगर प्लेस करना है, और मेक श्योर करना कि आपका फिंगर पूरा एंड तक टच है, क्योंकि अगर ठीक से नहीं रहा तो रीडिंग गलत बताएगा। एक बार फिंगर प्लेस करने के बाद आपको यहाँ पर एक छोटा सा बटन है वो ऑन करना है, और आफ्टर 10 to 15 सेकेंड्स वो रीडिंग दिखाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो SpO2 लिखा है ये 98 है, और जो नॉर्मल रेंज है वो 95 to 100 के बीच होता है, और ये है आपका हार्ट रेट, और वो भी 60 to 100 नॉर्मल रेंज है। ये ऑक्सीमीटर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कोरोना जो है लंग्स को डैमेज करता है, और उसकी वजह से आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो कई लोगों का ड्रॉप होने लगता है, तो इसीलिए इसमें रीडिंग्स लेना ज़रूरी है, और अगर 95 के नीचे जाता है तो दैट्स अलार्मिंग, मतलब नॉट सेफ़। दूसरी चीज़ तो ये थर्मोमीटर है बुखार चेक करने के लिए। तीसरा और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ये, इसको बोलते हैं स्पायरोमीटर, इसको स्पायरोमीटर या रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजर भी बोलते हैं। तो बेसिकली हमें बोला गया था कि ये दिन में 3-4 बार करने, मुझे नहीं मेरे पेरेंट्स को। तो जैसे कि मैंने बताया कि हर किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर ज़रूरत है तो डॉक्टर आपको मेंशन करेंगे। बेसिकली इसमें इस पाइप के थ्रू इनहेल और एक्सहेल करना है यूजिंग ए माउथ, और इसके अंदर ये जो 3 बॉल दिख रहे हैं, हर टाइम जब आप इनहेल या एक्सहेल करेंगे तो वो बॉल ऊपर जाना चाहिए। तो इस पर लिखा हुआ है ये देखो, 600 cc, 900 cc, 1200 cc। तो ये अलग अलग लेवल्स है, ईच बॉल जब ऊपर जाता है आपके इनहेल या एक्सहेल करने पर उतनी हवा आपके लंग्स में जाती है। तो अब मेडिकली ये कैसे काम करता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन डॉक्टर्स ने ये यूज़ करने बोला था तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं बहुत कंफ्यूज था कि ये वीडियो बनाऊं या नहीं, लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये चैनल स्टार्ट करने का मेन इंटेंशन था कि जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास हो बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस वगैरह वो मैं शेयर करूं। और मुझे रियलाइज़ हुआ कि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है इस टाइम पे। तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि आप मैंने जो भी पॉइंट्स बताए वो चाहे डर के बारे में है, खाने पीने के बारे में, या ये एक्सरसाइज जो भी है, प्लीज़ अच्छे से नोट डाउन करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। और वीडियो को एक हैप्पी नोट में एंड करने के लिए मैं बताना चाहूँगा कि मैं और मेरी फैमिली तीनों ठीक हो गए हैं और रिकवर हो गए हैं। जो सपोर्ट हमें मिला हमारे सारे रिश्तेदार से, सारे दोस्त से, फैमिली फ्रेंड्स सब से, वो बहुत ही ज़्यादा था। उनका जितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। आई एम श्योर वो सब ये वीडियो देख रहे होंगे, तो आपका दिल से शुक्रिया। सच बोलूँ तो वो सपोर्ट देख के ही हमारी आधी तबीयत ठीक हो चुकी थी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि स्पेशली कोरोना के टाइम मॉरल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहो जितना भी हो सके, अपने माइंड को डाइवर्ट करते रहो, और मेरी दुआ है कि किसी को भी ये बीमारी ना आए और सब सेफ और खुश रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।